बिना तेल के वीगन शाही टोफू कैसे बनाएं? इसके लिए जो सामग्री मैंने यूज करी है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। सबसे पहले हम बनाएंगे काजू का पेस्ट, भीगे हुए काजू और पानी को ब्लेंड करके। इसको बनाकर हम लोग साइड में रख लेंगे बाद में इस्तेमाल करने के लिए। अब एक पैन में अदरक, लहसुन और प्याज डालें, 2 कप पानी और नमक डालें, मिला लें और इसको पकने दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। मिलाने के बाद ढक दें। दस मिनट बाद जब ये पक जाए तो एक बार खोलकर देख लें। जब ज्यादा से ज्यादा पानी सूख चुका हो तो उस समय हम इसमें टमाटर डालेंगे। इसको अच्छे से मिला लें और पकने दें। इसको ढक दें और 10 मिनट तक पकने दें। जब सब कुछ अच्छे से गल जाए तो इसको हम ठंडा होने देंगे क्योंकि इसे हमने पीसना है। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि ये पत्थर के बर्तन को ठंडा होने में काफी टाइम लगता है। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम तड़के की तैयारी कर लेंगे। सारे सूखे मसाले और पानी एक कटोरी में मिला लें। कितने कितने हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। इसकी ऐसे पतली सी स्लरी बना लें। अच्छे से मिलाकर इसे पैन में डाल लें और पकाएं। इसको चलाते रहें जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता। जब ये ऐसा गाढ़ा हो जाए तब ये तैयार है। अब हम इसमें प्याज टमाटर जो पकाया था उसकी प्यूरी डालेंगे। अच्छे से मिला लें और इसको भी कुछ देर पकने दें। 3-4 मिनट काफी होंगे। जब तक ये पक रहा है कसूरी मेथी को एक पैन में हल्का सा रोस्ट कर लें। अब हमारी ग्रेवी पक चुकी है। अब इसमें हम टोफू मिला लेंगे। टोफू डालकर इसे अच्छे से चला लें और फिर से इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए पकने दें ताकि टोफू में ग्रेवी के फ्लेवर्स अच्छे से आ जाएं। अब गैस बंद करके काजू का पेस्ट डाल लें, थोड़ा सा बचा के रखें बाद में गार्निशिंग के लिए। इसको अच्छे से मिला लें और फिर भुनी हुई कसूरी मेथी डाल लें। इस समय कुछ मीठा अपनी पसंद का भी डाल सकते हैं, जैसे हल्का सा खजूर का पेस्ट या थोड़ा सा गुड़। ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। अब बचे हुए कैश्यू पेस्ट से इसे सजा लें। शाही टोफू तैयार है और बहुत स्वाद भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वॉन्ट मोर टिप्स एंड हेल्दी रेसिपीज देन सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड फॉलो मी ऑन Instagram।